वहीं उत्तराखंड के सीएम प्रोटोकॉल अधिकारी पी के नैनवाल जो दिल्ली में छात्रों की देखभाल और उत्तराखंड वापसी का काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि अब तक 60 बच्चे उत्तराखंड के वापस लौट आए हैं और लगातार फ्लाइट से बच्चों के आने का क्रम जारी है। वहीं बच्चों ने बताया कि कई मुश्किलों का सामना करते हुए वो दिल्ली पहुंचे। स्वदेश वापस आए छात्रों से संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ सीएम साहब का प्रोटोकॉल देखते हैं, उनसे बात करते हैं। अभी तक कितने उत्तराखंड के छात्र आए? अभी तक 60 बच्चे आ चुके हैं और लगभग सभी बच्चे अपने अपने जगहों पर पहुंच चुके हैं। ये बच्चे 4 बच्चे हैं और अभी कुछ पहुंचने वाले हैं, अभी की जो फ्लाइट लैंड करी है उसके, और कुछ हिंडन से भी आने वाले हैं। कल खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ होंगे और मुख्यमंत्री जी भी उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुँचेंगे और हम लोग पूरी तरीके से अपने बच्चों को रिसीव करके यहाँ ला के रात को 2-2:30 बजे खाना खिला रहे हैं और उनको रूम में अवेलेबल करा रहे हैं, टैक्सियों में भेज रहे हैं और मुख्यमंत्री जी बराबर बात कर रहे हैं। मैं जब भी उनको रिसीव करता हूँ और मुख्यमंत्री जी की उनसे बात कराता हूँ स्टूडेंट की, तो ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री तो लगे ही हैं, आपको देख ही रहे होंगे सारा देश के। आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ से उत्तराखंड भेजने का? हाँ, हम टैक्सियों में भेज रहे हैं। पहले थोड़ा सा चुनाव आचार संहिता की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, अब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आप बच्चों को टैक्सी से, वॉल्वो से, इससे भेजा जा रहा है। जहाँ वॉल्वो जाती है वॉल्वो, जहाँ वॉल्वो नहीं है वहाँ टैक्सी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।